शनिवार को आगरा आर्किटेक्ट एसोसिएशन की तरफ से आर्किटेक्ट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आगरा के जेपी होटल में हुई इस कॉन्फ्रेंस में देश के 350 से ज्यादा आर्किटेक्ट और बिल्डरों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान इमारत बनाने के साथ लोगों को बेहतर सुविधा मिले उसके लिए चर्चा की गई। आगरा आर्किटेक्ट एसोसिएशन की तरफ से 50 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को आगरा आर्किटेक्ट एसोसिएशन की तरफ से जेपी होटल के सभागार में आर्किटेक्ट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आगरा के जेपी होटल में हुई इस कॉन्फ्रेंस में देश के 350 से ज्यादा आर्किटेक्ट और बिल्डरों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान इमारत बनाने के साथ लोगों को बेहतर सुविधा मिले उसके लिए चर्चा की गई। Architects, builders, designers are making buildings the most sustainable. They are green, they are efficiency, they save energy, they save water supply and they do a lot of garbage management. ताज नगरी में 8 और 9 अक्टूबर को हो रहे राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। देश के अलग अलग शहर से आए आर्किटेक्ट ने अपनी राह साझा की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में वास्तु शिल्प में गलत प्रैक्टिस को रोकने और उसके समाधान पर कार्यशाला में विचार विमर्श किया गया। I would like to talk of the present. Sitting here and enjoying this particular occasion. At the same time, in the audience, we see the keynote speakers like architect Premnath from Mumbai, Manoj Mathur, Ajay Khare, Nalini Thakur, Prashant Das. They are here. And will be the speakers, the keynote speakers of the various topics in the next 2-day program. वस्तु उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ मेयर नवीन जैन ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आर्किटेक्चर के पूर्व अध्यक्ष उदय गडकरी, महापौर नवीन जैन, आगरा आर्किटेक्ट एसोसिएशन के संस्थापक शशि शिरोमणि मौजूद रहे। होटल जेपी पैलेस में 8 से 9 अक्टूबर को होने वाले 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह में देश भर के 350 से अधिक वास्तुकार जुटे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान ताज नगरी के वास्तु पर भी चर्चा हुई। मुगल काल में सकरी गलियां, ऊंची और हवादार इमारतें बनाई गई थी। चौराहों के स्थान पर तिराहे बनाए गए। उन्हीं मुगल कालीन वास्तुशिल्प की बारीकियों पर भी चर्चा की गई। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।